श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशितु तद्विद्धि येनं सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रह शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में आता है। केशाग्रशत्त भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में यह इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में भी सूक्ष्म आत्मा की और विवेचना की हुई है। हेशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पक्धा संविवेश प्राणश्चित्तं सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्येश आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण अपान व्यान समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। अब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घिरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलय बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाख प्रकरणों की महत्ता को तो स्वीकारता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं।
अतः चाहे कोई वैज्ञानिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद्गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।